वैक्सीनेशन से लोगों में अब भी डर, बुजुर्ग बना रहे वैक्सीन से दूरी, अब घर घर जाएगी टीम, रोक सकते हैं बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधा, मजदूरी ना चुक जाए इसलिए नहीं लगवाई वैक्सीन। जिले में कोविड 19 टीकाकरण की बात करें तो पहले डोज में भले ही विभाग 90% टारगेट अचीव कर चुका हो, लेकिन दूसरा डोज अभी भी सिर्फ 32% ही अचीव हो सका है। ऐसे में पहले डोज का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि कोरोना से सुरक्षा कवच दोनों डोज लगने के बाद ही मिल पाएगा। जब भास्कर की टीम ने वैक्सीनेशन शुरू होने के 11 माह बाद पहले डोज का 100% टारगेट पूरा ना हो पाने और दूसरे डोज में पिछड़ने के कारण की पड़ताल की तो पता चला कि जिले भर में बुजुर्ग वर्ग आज भी कोरोना वैक्सीन से दूर भाग रहा है। उनके दिल दिमाग में आज भी वैक्सीन को लेकर डर है। बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधा अब बंद की जा सकती है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो अब प्रशासनिक अधिकारी इस वर्ग को कोविड का टीका लगवाने के लिए बाध्य करने के लिए उनको मिलने वाली पेंशन, वृद्धा पेंशन के साथ अन्य सुविधाओं को रोकने पर विचार कर रही है। जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया होगा उनको सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषिश्वर का कहना है कि वो एक सर्वे करवा रहे हैं, एक दो दिन में सर्वे पूरा होने के बाद बुजुर्गों को घर घर जाकर टीका लगवाया जाएगा। कोविड टीकाकरण का टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, देखा जा रहा है हर वर्ग में सेकंड डोज का स्तर काफी कम है, तो क्या कारण है? इसमें जो सबसे ज्यादा जो लोग छूट रहे हैं वो 60 साल से ऊपर वाले लोग छूटे हैं, फर्स्ट डोज में भी छूटे हैं। फर्स्ट डोज का टारगेट अपना 68% हुआ है और सेकेंड डोज में भी काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने प्लानिंग करी है कि जितने भी पेंशनर्स हैं और जो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं और घर घर जाके सर्वे करवा रहे हैं हम लोग, वो जल्द जाकर चिन्हित करके फिर उनको घर घर जाके टीके लगवाएंगे जिससे कि ये टारगेट पूरा किया जा सके। तो क्या मोस्टली इसी वर्ग के कारण टीकाकरण का टारगेट चल रहा है? नहीं, ये भी है और लोग भी हैं जिनसे, लेकिन मैक्सिमम संख्या इनकी है, बाकी लोग भी हैं क्योंकि अभी खेती का काम चल रहा है, मजदूर वर्ग भी है कुछ जो कि जब टीम जाती है तो खेतों में निकल जाते हैं या उनको ये डर है कि फीवर आएगा तो उनका 2-3 दिन का नुकसान होगा, तो वो भी एक थोड़ा दिक्कत है, वो 2-3 दिन में स्थिति सुधर जाएंगी। 13 तारीख तक, कल तक हम अपना सर्वे पूरा करेंगे और उसके बाद घर घर जाकर फिर टीकाकरण चालू करेंगे।